देश में सोने व चांदी की कीमतों में क्यों आई गिरावट? आखिर भारतीय सराफा बाजार बजट आने के बाद क्यों हो गया धड़ाम? सोने चांदी के खरीदारों के लिए खुशखबरी है, शादी के इस सीजन में भारतीय सराफा बाजार में इस सप्ताह सोने व चांदी में आने वाली है भारी गिरावट। हाँ, भारी गिरावट, इसलिए आप हमसे लगातार जुड़े रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि सरकार लॉन्च करने जा रही है सोने चांदी से संबंधित योजना, जिससे खरीदारों को मिलेगा भारी मुनाफा। तो चलिए पहले जान लेते हैं आज का सोने व चांदी का ताजा भाव। उससे पहले कर दें वीडियो को लाइक व चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो आज एक ग्राम चांदी का भाव रहने वाला है 75.60 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव रहने वाला है 756 रुपए, और 100 ग्राम चांदी का भाव आज रहने वाला है 7,560 रुपए, और 1 किलोग्राम चांदी का भाव रहने वाला है 75,600 रुपए। आज 1 किलोग्राम चांदी में 100 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और 100 ग्राम चांदी में 10 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं 18 कैरेट सोने की। तो दोस्तों, आज 1 ग्राम सोने का भाव 4,720 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 47,200 रुपए, और 100 ग्राम सोने का भाव 4,72,000 रुपए। आज हमें 100 ग्राम में 100 रुपए की कमी देखने को मिली है, जबकि 10 ग्राम में 10 रुपए की कमी देखने को मिली है, और 1 ग्राम में 1 रुपए की कमी देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं 22 कैरेट सोने की। तो आज का 22 कैरेट सोने का भाव, जिसमें 1 ग्राम सोने का भाव रहने वाला है 5,769 रुपए, और 10 ग्राम सोने का भाव 57,690 रुपए, और आज 100 ग्राम सोने का भाव रहने वाला है 5,76,900 रुपए। तो हमें 100 ग्राम सोने में भी परिवर्तन देखने को मिला है। 100 ग्राम में 100 रुपए की कमी देखने को मिली है, जबकि 10 ग्राम में 10 रुपए की कमी देखने को मिली है, और 1 ग्राम में 1 रुपए की कमी देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं 24 कैरेट सोने की। तो आज का भाव 1 ग्राम का रहने वाला है 6,294 रुपए, 10 ग्राम का 62,940 रुपए, 10 ग्राम को ही हम 1 तोला बोलते हैं, और 100 ग्राम का भाव रहने वाला है 6,29,400 रुपए। तो इसमें भी हमें कमी देखने को मिली है। आज हमें इसमें 100 रुपए की कमी देखने को मिली है 100 ग्राम में, और 10 ग्राम में 10 रुपए की कमी देखने को मिली है, और 1 ग्राम में 1 रुपए की कमी देखने को मिली है। तो दोस्तों, आज का हमने सही ताजा भाव बता दिया है। अगर आप सरकार के इस भाव से संतुष्ट नहीं हैं, आप सोने व चांदी का भाव क्या चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकती हैं, हम आपके मन की बात विशेषज्ञों तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भाव से संतुष्ट हैं, तो आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं संतुष्ट हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आप आखिर सोने चांदी का भाव क्या चाहते हैं।